हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट थ्री, जो आपके ऑटोकैड एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस है। पार्ट थ्री है आज, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्ट्स शुड बी सिलेक्टेड बाई डैश फॉर स्ट्रेचिंग एनी ऑब्जेक्ट इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करते हैं तो हम किस मेथड से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट ऑल मेथड या फिर पिकिंग मेथड या फिर क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड या नन ऑफ द अबव। चलो देख लेते हैं। ऑटोकैड पे मैं यहाँ पे गया। अब मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ। मान लो मेरे को इस रेक्टेंगल को स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करने का एक तरीका है कि आप इस पे क्लिक करो और अपने पास ये ग्रिप पॉइंट आ जाएंगे। आप इस ग्रिप पॉइंट पे क्लिक करके ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो, क्लियर है। दूसरा मेथड है स्ट्रेच करने का। अगर मैं इसको स्ट्रेच कमांड से स्ट्रेच करूं, एस एंटर फॉर स्ट्रेच, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पिक करूं, एक था उसके अंदर पिकिंग मेथड, पिक करके एंटर करूं और यहां से पकड़ के स्ट्रेच करूंगा तो क्या करेगा वो, उसको मूव करेगा, वो स्ट्रेच नहीं करेगा, क्लियर है। तो ये मेथड तो हो ही नहीं सकता जो आपका पिकिंग मेथड था। एक मेथड देखते हैं, सिलेक्ट ऑल मेथड। अगर मैं एस एंटर करूं और नहीं, पहले सिलेक्ट ऑल करूं अब एस एंटर करूं तो भी ये मूव करेगा, ठीक है, ये भी मेथड नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में स्ट्रेच क्या कैसे होता है कि आप एस एंटर करो, यहां से आपको स्ट्रेच करना है तो क्रॉस सिलेक्शन मेथड से आप इसे सिलेक्ट करो, अब एंटर करो, अब आप यहां से स्ट्रेच कर सकते हो कि जितना भी आपको स्ट्रेच करना है वो आप स्ट्रेच कर सकते हो यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर हुआ यहाँ पे वो है क्रॉस विंडो सिलेक्शन मेथड की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। स्ट्रेच कमांड में ये वाला मेथड यूज होता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ऑटोकैड 2D मॉडलिंग विच एक्सिस इज नॉट एसेसिबल फॉर ड्राफ्टिंग। कि जब आप ऑटोकैड 2D पे काम करते हो तो कौन सी एक्सिस है जिसको आप यूज नहीं करते। अब जब आप टॉप से काम करते हो तो हमारे पास कौन सी एक्सिस होती है, एक्स होती है और वाई होती है। जेड एक्सिस पे हम काम नहीं करते। जेड एक्सिस पे काम तब होता है जब हमें 3D में काम करना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को डेप्थ देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे रोटेट करूं और अगर मैं इसे एक्सट्रूड करूं, अब जाके मैं एक्स एक्सिस को यूज करूंगा, वरना मेरी एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस ही यूज होती है, जेड एक्सिस यूज नहीं होती। तो इसका आंसर है जेड एक्सिस, कि जेड एक्सिस को हम यूज नहीं करते। उसके बाद है, टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एंड पैरेलल कर्व्स, डैश इज यूज्ड। कि आपको पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल लाइंस का मतलब अगर मैं यहां पे दिखाऊं, आप यहां पे एल एंटर, मान लो आपने 20 की एक लाइन लगाई यहां पे, ये 20 है, इसके पैरेलल मान लो 5 के डिस्टेंस पे लाइन लगानी है, तो हम क्या यूज करते हैं, ऑफसेट, ओ एंटर 5 एंटर, ये ऑफसेट यूज किया, दिस इज पैरेलल लाइंस, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है कि आपने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल क्रिएट किया मान लो, और ऑफसेट लिया आपने मान लो 2 का या 3 का, अब इसके अंदर आप सर्कल बनाए जा रहे हो, ये होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये भी हम किससे ऑब्टेन करते हैं, आपका ऑफसेट से। और अगर हमारे पास आर्क है और इसको भी अगर मेरे को बनाना है, जो आपका पैरेलल कर्व्स है, जो आपके कर्व है, और उसको भी अगर आप यहाँ पे ऑफसेट देते हो तो इसको भी आप ऑफसेट कमांड से यूज कर सकते हो। तो जो राइट आंसर यहाँ पे हुआ कि ऑफसेट कमांड की हेल्प से हम ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। उसके बाद है, ए पॉली लाइन कैन बी ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल लाइन एंड आर्क्स यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड। कि पॉली लाइन को ब्रोक करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं। सबको पता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास कोई पॉली लाइन है यहाँ पे, अगर मेरे को ये ब्रेक करनी है तो हम इसके लिए यूज करते हैं एक्सप्लोड कमांड का। शॉर्टकट है एक्स एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए जो आंसर हुआ वो है एक्सप्लोड कमांड। ब्रेक कमांड लाइन को ब्रेक करने के काम आती है, ट्रिम ट्रिम करने के काम आती है, ओवरकिल कमांड काम आती है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए, मल्टीपल जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ओरिजिन ऑफ द ऑटोकैड ड्रॉइंग स्पेस इज, मतलब अब ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन होता है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन पे आपकी एक्स और वाई की वैल्यू जीरो होती है हमेशा, एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो होती है। तो यहां पे इसका आंसर होगा कि ओरिजिन पे आपकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा जीरो जीरो रहेगी ओरिजिन पॉइंट पे, क्लियर है। उसके बाद है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन कमांड प्लॉट एंड प्रिंट। प्लॉटिंग और प्रिंटिंग में कोई डिफरेंस है। ऑप्शन है प्लॉट, कमांड, प्रिंट, ओनली बिग प्लान्स,
प्लॉट कमांड फॉर सीएनसी, नो डिफरेंस, या फिर प्रिंट कमांड कैन प्रिंट अप टू ए थ्री साइज प्रिंट। अगर मैं ऑटो कैड पे जाता हूं, अगर मैं कंट्रोल पी प्रेस करता हूं, ये प्रिंटिंग के लिए है, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्लॉटिंग। मतलब प्रिंटिंग और प्लॉटिंग एक ही मतलब है ऑटो कैड के अंदर, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका जो हमारा आंसर हुआ, नो डिफरेंस, कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, जो इसने आंसर लिखे हुए यहाँ पे, प्लॉट कमांड प्रिंट ओनली बिग प्लान्स, कोई, ये सारे गलत है, सिर्फ नो डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, प्लॉटिंग बोलते हैं या प्रिंटिंग बोल देते हैं। उसके बाद है द शॉर्टकट टू स्टार्ट ए टेबल इज, अगर आपको टेबल स्टार्ट करनी है, यहाँ पे ये टेबल कमांड है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आप एक टेबल स्टार्ट करते हो, तो इसके लिए जो हम शॉर्टकट यूज करते हैं वो करते हैं टी बी एंटर। अगर आप टी बी एंटर करोगे तो आपकी टेबल कमांड यहां से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आप टाइटल, हेडर और डाटा को हम इस तरीके से, जैसे एक्सेल की शीट होती है, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो हुआ टी बी। उसके बाद अब व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर जूम कमांड, जूम करने के लिए कौन कौन सी शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, जेड एंटर, रोटेट माउस व्हील, जूम कमांड, या ऑल ऑफ द अबव। जब हमें ऑटो कैड में कहीं पे जूम करना हुआ, ठीक है, अगर मान लो मेरे पास कोई सर्कल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं स्क्रोल करूंगा, स्क्रोल को रोटेट करूंगा तो भी मैं जूम कर पा रहा हूँ, जेड एंटर करता हूं तो जूम कमांड मेरी स्टार्ट हो जाती है तो भी मैं यहां से इस चीज को जूम कर पा रहा हूं, ठीक है, या फिर जेड डब्ल्यू एम ये एंटर करता हूं तो भी जूम कमांड स्टार्ट होती है, तो भी मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूं, तो भी मैं इसको जूम कर पा रहा हूं। तो इसका जो आंसर हुआ कि तीनों ही कमांड से मैं इसको कर सकता हूं, तो आंसर हुआ ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, तो ऑल ऑफ द अबव कमांड से मैं इसको जूम कर सकता हूं। ए लाइन शोज इट्स डायमेंशन एज 14.52, व्हाट इज द प्रिसीजन ऑफ दिस लाइन। मतलब अगर मैं यहां, अब ऑटो कैड पे काम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यू एन एंटर, यूनिट लिया, मैंने डेसिमल यहाँ पे रखा, मैंने 0.00 किया, ठीक है। अगर मैं 0.00 करता हूँ, मैं आप एक बार दिखा देता हूँ, प्रिसाइज लिया, मान लो मैंने यहाँ से सेंटीमीटर लिया, ओके, डी एंटर किया, स्टैंडर्ड मॉडिफाई, और प्रिसाइज को जाके मैंने यहाँ पे 0.00 किया, ओके, सेट करंट एंड क्लोज। अब अगर मैं लाइन लेता हूँ, कितने की लाइन उसने बोली हुई है, 14.52, एल एंटर, 14.52, ये मैंने एक लाइन ले ली, ठीक है। अब इस लाइन की मैं डायमेंशन चेक करता हूँ डीएलआई एंटर से, तो यहाँ पे आप देख पाते हो 14.52। अगर मैं इसकी टेक्स्ट साइज को थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा देता हूँ, 1, ओके, सेट करंट क्लोज, ये आ गया। क्लियर है, जब आप प्रिसाइज को डी एंटर पे जाके यहाँ पे, क्योंकि डायमेंशन वाली है ना, यहाँ पे हम इसको 0.00 करेंगे तो आपको ये दो पॉइंट में नजर आएगा। अगर मैं इसको 0.0 कर देता हूं तो क्या होगा, वो एक प्रिसाइज दिखाएगा, 14.5 आएगा। मतलब उसने उस चीजों को और शॉर्ट कर दिया और राउंड फिगर में कर दिया। अगर मैं इसको डी एंटर करके दोबारा से प्रिसाइज को जीरो कर देता हूं तो वो सिंपल एक वर्ड दिखाएगा, वो है 15, 14.5 को 15 में दिखा देगा और राउंड फिगर में। तो अगर हमें 14.50 ही देखना है तो मुझे डी एंटर पे जाके, मॉडिफाई पे जाके इसको 0.00 करना पड़ेगा, तब जाके डायरेक्टली मैं इसको देख सकता हूँ। क्लियर है, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, तो इसका आंसर हुआ प्रिसाइज मेरे को 0.00 करना पड़ेगा, तब जाके मैं वहां पे सेम वैल्यू को देख सकता हूँ। क्लियर, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल टैब एंड लेआउट टैब कैन बी मेजरली डिस्टिंग्विश एज। मतलब मॉडल टैब और लेआउट टैब किस चीज को बताती है, क्या चीज होती है। पहला है द मॉडल टैब इज यूज फॉर ड्रॉइंग इन 3D एंड ए लेआउट इज यूज फॉर ड्रॉइंग इन 2D। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मॉडल टैब आपका यहाँ पे देख पा रहे हो, अब इसमें 2D और 3D में दोनों में काम होता है, बट अगर आप लेआउट में जाते हो तो यहाँ पे सारा काम आपका लेआउट्स बनाने का होता है, जिसके हम प्रिंट निकालते हैं, जो टाइटल बॉक्स अगर हम बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा सेकंड क्या है, द मॉडल टैब इज वेयर यू क्रिएट द ड्रॉइंग एंड ए लेआउट टैब रिप्रेजेंट द शीट दैट यू विल प्लॉट और प्रिंट ऑन। तो इसका राइट आंसर होगा ये वाला, कि मॉडल टैब के ऊपर तो हम करते हैं ड्राइंग बनाते हैं, और लेआउट टैब प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है शीट दैट यू विल प्लॉट ऑन एंड प्रिंट ऑन, जो प्लॉटिंग करनी है, प्रिंटिंग करनी है। थर्ड है द कलर ऑफ द बैकग्राउंड, बिल्कुल गलत है। द मॉडल टैब डिस्प्लेस द ड्राइंग यू आर कॉपिंग फ्रॉम द लेआउट टैब इज वेयर यू लेआउट द न्यू ड्राइंग, ये बिल्कुल गलत है। तो आपका राइट आंसर हुआ बी, जो आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सही लगे होंगे। इनसे रिलेटेड अगर आपको और भी क्वेश्चन देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डेली ये क्वेश्चन आने वाले हैं,
रोज के मैं 10 से 10 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, 200-300 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको हर एक ऑटोकैड की कमांड यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम फिर देखेंगे रेविट पे, 3ds मैक्स पे और भी सॉफ्टवेयर पे, ताकि आप उस चीज को क्रैक कर पाओ अगर आपको कोई भी इंटरव्यू है या कुछ भी है। ओके, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।